गया में हिंदू युवा शक्ति संघ के तत्वावधान में रामनवमी पर गया में तमिलनाडु की झांकी दिखेगी। यह जानकारी संघ के सदस्यों ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस अप्रैल को रामनवमी के उपलक्ष्य में इस वर्ष भव्य और विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा के एक दिन पूर्व से ही हमारे इष्ट राम एवं हनुमान जी का पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त मौजूद रहेंगे, साथ ही महिलाओं की भी संख्या देखने को मिलेगी। रामनवमी पर हिंदू युवा शक्ति गया जी से रामनवमी पर एक परंपरा रही है, भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है और पूरे गया के कोने कोने में भ्रमण कर वापस विष्णुपद आती है। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि विगत दो वर्षों से कोविड की वजह से ये शौर्य यात्रा हमारा शोभा यात्रा बंद रहा, स्थगित रहा, तो इस वर्ष पूरे जोशों खरोश के साथ हम लोग पुनः अपनी प्रस्तुति को लेकर हिंदू युवा शक्ति फिर से रामनवमी शोभा यात्रा की पूरी प्रस्तुति को लेकर गया नगर के सामने है। इस वर्ष जो हमारे मुख्य आकर्षण होंगे उसमें दक्षिण भारत की प्रमुख युद्ध कला जलारी कट्टू के प्रवीण योद्धा आ रहे हैं, जो अपने जलारी कट्टू युद्ध कला का प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली से और कलकत्ता से झांकी वाले टीम आ रहे हैं, उन सब का प्रदर्शन रहेगा, झांकियों के प्रदर्शन होंगे और बाजा गाजा घोड़े हाथी के साथ भव्य श्री राम शोभा यात्रा स्थानीय विष्णुपद मंदिर से 10 तारीख अपराह्न यहाँ से संपूर्ण गया भ्रमण के लिए निकलेगी। तो जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है मीडिया बंधु के माध्यम से, जो भी राम भक्त हमें सुन पा रहे हैं, उन सबको आमंत्रण है हिंदू युवा शक्ति की तरफ से, आप सब 10 तारीख को अपराह्न दोपहर विष्णुपद प्रांगण में एकत्रित हो और भगवान श्री राम के भव्य शोभा यात्रा में और धर्म को बल देने के लिए आप सबकी उपस्थिति यहाँ पर अनिवार्य है। तो हिंदू युवा शक्ति आपके माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से गया शहरवासियों को आमंत्रित कर रही है कि 10 तारीख श्री विष्णुपद मंदिर प्रांगण से आप सब एकत्रित हों और भव्य श्री राम शोभा यात्रा में शामिल होकर धर्म को बल दें। जय। हर वर्ष जो हिंदू युवा शक्ति संघ गया जी रामनवमी के अवसर पर, भगवान राम के जन्मोत्सव पे जो शोभा यात्रा निकालती है, इस बार इसमें जो प्रदर्शन है वह खास करके जो जलारी कट्टू के हमारे योद्धा हैं केरल से जो आ रहे हैं यहाँ, उनका रहेगा। दूसरा, दिल्ली से कलाकार कुछ आ रहे हैं जो अपनी झांकियों को प्रस्तुत करेंगे, कुछ कलकत्ता से हैं, उसमें कुछ हमारे गया के भी हैं, सभी मिलकर विभिन्न प्रकार की अपनी प्रस्तुति को गया नगर के समस्त स्नातनियों और समस्त नागरिक